नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 से 28 नवंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या। कन्या राशि, 25 नवंबर के दिन आप एक यात्रा पर जा सकते हैं अथवा किसी प्रकार का बिजनेस प्लान या जॉब की जो बिजनेस ट्रिप है ये सब बन सकती है। 25 नवंबर के दिन आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। आपको फील होगा कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ रही है। इस दिन आप लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखेंगे। टीम की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आप अपने सम्मान के लिए कार्य करेंगे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए भी कार्य करेंगे। आप इस दिन जो निर्णय लेंगे उसके दूरगामी परिणाम साबित होंगे, अतः निर्णयों में थोड़ी जल्दबाजी ना करें। लेकिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से आपकी तारीफ भी होगी, वाहवाही भी होगी, यानी पद प्रतिष्ठा के लिए यह दिन बढ़िया रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो अपनी जॉब में आपको इस दिन बेहतर प्रदर्शन करने का मौका प्राप्त हो सकता है। और अगर आप अपने व्यवसाय में हैं तो आपके व्यवसाय में तेजी हो सकती है। 26 नवंबर के दिन आप एक नई ऊर्जा से भरपूर, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। कुछ नए विचार, या ये कहें कि एक ऐसा नया विचार इस दिन आपको आएगा जिसकी वजह से आप अपने आप को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, सपने देखेंगे। हालांकि ये दिन अच्छा है धन के मामले के लिए। जब आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से धन आपके पास आएगा, आकर्षित होगा। 26 नवंबर के दिन अपनी योजना पर थोड़ा और काम करें, उसे रिफाइन करें, उसमें से गलतियां फ्लॉज को निकालने का प्रयास करें। 26 नवंबर के दिन परिवार के साथ अच्छा सहयोग, अच्छा तालमेल बना रहेगा, मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। इस दिन आप जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त का कार्य भी कर सकते हैं। 27 नवंबर के दिन आप अपने अंदर काफ़ी स्थिरता फील करेंगे। इस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन में अभी आपको थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके कार्य करने की आवश्यकता है। ये जो ठहराव वाली स्थिति, मनह स्थिति 27 तारीख को आपके भीतर आ रही है, इसे कंट्रोल करने, काबू करने और जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करने का प्रयास करें। 27 नवंबर के दिन आप कठोर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। परिवार के मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, दूरगामी साबित होंगे और परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। वैसे समाज में भी इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने प्रयासों में सफल होंगे और सफलता जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे उसमें मिलने की संभावना बनी हुई है। 28 नवंबर के दिन एक अवसाद की स्थिति रहेगी। इस अवसाद की स्थिति में आपको दिन भर रहना पड़ सकता है, लेकिन सायंकाल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी ज़्यादा दुखदायी हो सकती है। ऐसा कुछ विचार आपके मन में पूरे दिन भर चल सकता है या किसी की याद आपके मन में दिन भर चल सकती है जो दिन भर आपको तकलीफ देती रहे और शाम के समय अधिक तकलीफ दे। पहली सलाह ये है कि आप दूध का सेवन करें इस दिन, अगर हो सके तो मिल्क लें। और दूसरी सलाह ये है कि इस दिन को ये मानकर चलें कि एक दिन के बाद ये सारी उलझनें आपके मस्तिष्क से निकल जाएंगी, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान ना करें। अपनी मेंटल कंडीशन को, अगर आपको लगता है कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है इस दिन, तो अपने अंदर रहें, अंतर्मुखी रहें। दूसरे लोगों से अपने बारे में इन बातों को शेयर ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई नुकसान ना पहुंचे। 28 तारीख को किसी नए कार्य को ना करें, किसी भी ऐसे कार्य को हाथ में ना लें जिसमें चुनौतियां हैं, यानी जिसमें फेल होने की संभावना ज़्यादा है, उन कार्यों को हाथ में ना लें तो बढ़िया रहेगा। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन व व्यवसाय के लिए 28 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी 3 दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 25 से 28 नवंबर के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।